यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, शेल ठीक है। अब शेल का मतलब अंदर से भरा हुआ कि खाली, खाली शेल खाली होता है, और शेल के चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर इट सरफेस एरिया, क्लियर है, सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज है। तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस एरिया पे, तो डेंसिटी कौन सी यूज करेंगे, सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, कितना चार्ज है और कितना एरिया है। स्फेयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो एरिया कितना है, 4π R² तो सिग्मा क्या होगा, चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4π R² कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ये आपके पास टर्म है और मुझे ई निकालना है, मुझे ई कहाँ निकालना है, इस शेल के, और सारे डिस्टेंसेस शेल के कहाँ से लिए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर, तो शेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मुझे ई निकालना है, शेल का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो हम तीन केस करेंगे इसमें, एक बार पॉइंट कहाँ लेंगे, शेल के बाहर, एक बार कहाँ लेंगे, शेल के ऊपर, एक बार कहाँ लेंगे, शेल के इनसाइड। जब मैं बोलता हूँ कि शेल के बाहर, बाहर तो यानी कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जब शेल के सरफेस के ऊपर तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और अगर इनसाइड तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो ये रीडिंग रीड करना आ रहा है टर्म, कैसे इसको रीड करना है, क्लियर है, ठीक। तो ये आपने याद रखना है इसमें, ठीक। तो क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो केस नंबर वन क्या केस है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब है कि इसमें जो पॉइंट है वो शेल के बाहर कहीं लाई करता है, सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल। तो रूल नंबर वन, ये आपने ब्लू कलर मैंने पेन यूज किया है एक्चुअल स्फीयर के लिए, लाल पेन शो करता है गॉशियन इमेजिनरी स्फीयर के लिए, मैंने आपकी तो ब्लैक एंड व्हाइट है, मैंने अपनी शीट में ऐसे किया है, ठीक। तो देखो एक्चुअल स्फीयर ये था कैपिटल आर, और ये क्या है स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है। तो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर आपको सपोज ये रख आर, ये लो सॉरी, ये देखो ढूंढना है स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई ढूंढना है, तो आपने गॉशियन सरफेस कहां पे लेना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। इन सब ऑब्वियसली स्मॉल आर बाहर अंदर कहीं भी हो सकता है, तो इन सभी को अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, गॉशियन सरफेस एक इमेजिनरी स्फीयर, देखो ना ये एक्चुअल स्फीयर है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये गॉशियन है, ये गॉशियन है, गॉशियन गॉशियन जहां पे ई निकालना है गॉशियन है ना, और आप क्या निकालना चाहते हो ई, तो आप सभी इन गॉशियन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी स्फीयर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने एग्जैक्टली यही किया हुआ है, ये एक्चुअल स्फीयर है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर गॉशियन 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 अंदर बाहर हर तरफ, ये बोर्ड पे तो सर्कल लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये 3D स्फीयर है। तो ये रेड कलर की लाइन को जब सारे एरियाज को मिलाया तो इमेजिनरी क्या बना, गॉशियन सरफेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो इसमें इमेजिनरी गॉशियन सरफेस बन गई। तो हमने क्या निकालना है, ई। रूल नंबर वन, आप क्या इस रेड, देखो रेड कलर का स्फेयर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, रेड कलर का स्फेयर इमेजिनरी स्फेयर है, राइट। तो रेड कलर का स्फेयर इमेजिनरी है, तो इसमें ये स्मॉल गॉशियन सरफेस में स्मॉल फ्लक्स निकलेगा, क्या निकलेगा। अब जहां आपको ई निकालना है, जहां आपको ई निकालना है वहां इमेजिन करना है चार्ज कितना है, प्लस वन प्लस प्लस वन को रिपेल करेगा बाहर, तो ई वेक्टर बाहर है, और डीएस सेक्टर तो वैसे ही परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो ई और डीएस में एंगल कितना है, जीरो।
क्लियर है यहां तक? ई और डी एस में एंगल जीरो। तो इस सरफेस के लिए डी फाई क्या है? ई डी एस कॉस जीरो। तो स्मॉल फ्लक्स आ गया। अच्छा, पूरी रेड कलर की सरफेस, गॉसियन सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन फाई देगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा? फोर पाए छोटा आर स्क्वायर। आर नहीं बोलना, छोटा आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि किसका फ्लक्स निकाल रहे हैं? रेड कलर की सरफेस का। रेड कलर की सरफेस इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स किसका निकलता है? गॉसियन का। तो गॉसियन का रेडियस कितना है? छोटा आर। ठीक है, तो रेड कलर का एरिया कितना है? फोर पाई छोटा आर स्क्वायर। और फ्लक्स किसका निकला? गॉसियन का, रेड का। तो ये रेड बनाया मैंने, एरिया भी देखो रेड में लिया, ये रहा रेड कलर में यूज किया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फ्लक्स हमने निकाल दिया इस गॉसियन सरफेस का। अब गॉस थ्योरम कहता है इतना करने की जरूरत क्या थी? अब मेरे से पूछ लेते, ये रेड कलर की सरफेस क्या ये क्लोज बॉडी है? बिल्कुल है। तो बता दो इसमें कितना चार्ज है? अगर हमने कहा इसका तो चार्ज ही नहीं, तो हवा में बातें हो रही हैं। अगर कुछ तो होगा, हाँ है, नीले रंग की सरफेस पे चार्ज है। तो कोई बात नहीं, है तो इसके अंदर ही ना। तो नीले रंग की सरफेस पे कितना चार्ज है? जो भी चार्ज है क्यू इनसाइड, कितना आएगा चार्ज? कितने कौन से एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? बस यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ये देखो ये। और इसका एरिया कितना है? फोर पाए आर स्क्वायर। इसको अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें, सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। को एरिया से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज। तो ये देखो Q इनसाइड की जगह क्या आ गया? टोटल चार्ज सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो चार्ज में निकालते हुए आर का खास ध्यान रखना है, गड़बड़ हो जाएगी आर में, बता रहा हूं। जब आपने फ्लक्स निकालना है वो गॉसियन का निकालना है, गॉसियन का रेडियस छोटा आर है। जब आपने चार्ज निकाला तो एक्चुअल में चार्ज कैपिटल आर के ऊपर है, तो आपने एरिया क्या यूज किया? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये स्टेप भी क्लियर है। तो अब फ्लक्स आपने दो तरीके से निकाल लिया, दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसल हो गया, ई आ गया। फॉर्मूला याद करो, ई का लो ऐसे एक मिनट में ई आ गया। कहाँ आप इतनी इंटीग्रेशन, डायपोल इतनी बड़ी इंटीग्रेशन करता था, ये तो एक मिनट में हो गया काम खत्म। सही है, एक बार हम फ्लक्स निकाल लेंगे, एक बार गॉस निकालेगा, इक्वेट करेंगे, ई आ जाएगा। है कि नहीं कमाल की चीज़ बनाई उसने? तो ई का फॉर्मूला क्लियर है, आएगा टॉपिक के भी। तो ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अभी तो रिजल्ट आधा हुआ ना, आधा क्यों? क्योंकि अभी हमने पॉइंट कहाँ लिया? इस शेल के बाहर। शेल के ऊपर आ जाएं, शेल के ऊपर का मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो जब छोटे आर को कैपिटल आर पुट करेंगे यहाँ पे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसल, तो आंसर ई की वैल्यू आ गई। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट कहाँ था? बाहर। अगर सरफेस के ऊपर आना है तो पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो फॉर्मूले के अंदर कुछ करना ही नहीं है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। हाँ, कट गया ये आंसर। तो सरफेस के ऊपर आंसर आगे देखो के दिखाया, सरफेस के ऊपर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कैंसल आंसर। तो सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर ही आ गया, सरफेस के ऊपर भी ही आ गया, दो केस हो गए। अब इस शेल के इनसाइड चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर ई निकालते हैं। तो अगर इस शेल के इनसाइड ई निकालें तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो क्या करेंगे? ये एक्चुअल स्फीयर था ब्लू कलर का, अब पॉइंट कहाँ पर है? इसके इनसाइड है। तो अगर पॉइंट इसके इनसाइड है, यहाँ कहीं है, तो आप गॉसियन सरफेस कहाँ लेंगे? इसके इनसाइड लेंगे, है ना, इनसाइड लेंगे। तो गॉसियन सरफेस इनसाइड लेंगे, और जब इस सभी गॉसियन को मिलाएंगे तो रेड कलर की इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनेगी, ये स्फीयर, राइट? तो अगेन फिर से इसका स्मॉल सरफेस एरिया, एरिया परपेंडिकुलर ऐसी बनेगा। तो आप जब इसका फ्लक्स निकालेंगे रेड कलर का, तो इंटी स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। ई और डी एस में वैसे एंगल जीरो ही बनता है ज़्यादातर, आप देखो शेल्स के केस में, क्योंकि ई और डी एस में एंगल हमेशा पॉजिटिव चार्ज है ना, लाइन भी बाहर निकालेगा, एरिया भी बाहर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ई डी एस कॉस जीरो, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब गॉस क्या कहता है? इतना करने की जरूरत क्या है? मेरे से पूछो क्या ये क्लोज बॉडी है?
मैंने कहा हाँ ये क्लोज बॉडी है, इसके अंदर चार्ज कितना है? मैंने कहा कुछ है ही नहीं, तो चार्ज कहाँ है? चार्ज तो बाहर रह गया, गॉसियन सरफेस अंदर बन गई। अंदर आपको चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रेड कलर की सरफेस में क्या आपको चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा उसका? जीरो। तो ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू जीरो, तो एरिया तो कैंसिल हो ही जाएगा जीरो, तो ई की वैल्यू क्या आएगी? शेल के अंदर, एक शेल के अगर सरफेस के ऊपर चार्ज है ना, तो उसके इनसाइड कोई मर्जी पॉइंट ले लेना, ई क्या रहेगा? जीरो। इसको ही तो ग्रेविटेशन में बोलते थे शेल थ्योरम, शेल थ्योरम ये तो बोलते कि अगर एक शेल लेते हो, एक खाली शेल के अंदर ई एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे वो ग्रेविटेशन की वजह से हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट की वजह से हो। समझ में आया यहाँ तक? तो शेल के इनसाइड देखते ही कोई पूछ ले ये शेल है, शेल के अंदर ई क्या है? जीरो है ही नहीं। भाई चार्ज ही बाहर रह गया तो ई कहाँ से अंदर आएगा? और थ्योरी में समझाऊं एक लाइन में, लो एक लाइन में समझा देता हूं। ये रहा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, राइट? ठीक, लाइंस कहाँ जा रही हैं? बाहर ही जाएंगी, अंदर थोड़ा जाएंगी, इन्फिनिटी तक। अंदर लाइन ही नहीं है तो ई कहाँ से आएगा? लाइन तो बाहर चले जाएंगी इन्फिनिटी तक, तो ई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, किसी भी शेल के इनसाइड ई इज जीरो। अब हमने तीन केस कर लिए, किसी भी शेल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर ई क्या होगा, फॉर्मूला देख लिया आपने, सरफेस के ऊपर ई क्या होगा, सरफेस के इनसाइड ई क्या होगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आपको याद रखना आसान हो जाए, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला भी यूज कर लिया। भाई फोन फोन तो तभी खुश हो रहा है, मैं भी कहूँ फिजिक्स क्लास में खुश कौन होता है इतना? क्या व्हाट्सएप पे चुटले से खी आ रहा है यार, ऐसा नो खुशी बहुत है आज। ठीक, पहले मेरे को लगा कि यार फ्लक्स ज़्यादा समझ में आ गया आ गया। ठीक है, तो देखो, तो ये आपके सामने शेल है, इस शेल के स्मॉलर डिस्टेंस दूर अगर ई निकालना हो, तो फॉर्मूला याद हो गया? ये इसलिए लिखा, कॉम्पिटिशन में लोग थ्योरी नहीं पढ़ते ना, सीधा फॉर्मूला देख के याद हो जाएगा, रिजल्ट याद हो जाते हैं। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर याद है, ऐसा भी कर सकते हो। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज क्यू कितने एरिया के ऊपर है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर आप सिग्मा की जगह क्यू बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पुट करोगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, सॉल्व करके वही पुराना फॉर्मूला आ गया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी कि ये रिजल्ट तो पॉइंट चार्ज के लिए भी वैलिड है और शेल के लिए भी वैलिड है। तो फिर यही लगा लेंगे ना, शेल के लिए अगर शेल का चार्ज क्यू है तो स्मॉलर डिस्टेंस दूर ई क्या होगा? 1 बाय 4 पाई क्यू बाय आर स्क्वायर। पर ज़्यादातर बुक्स में सिग्मा की फॉर्म में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये भी याद करना पड़ेगा। बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर स्क्वायर बाय छोटा आर स्क्वायर, या ये याद कर लो एक ही बात है। सरफेस के ऊपर फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है? चार्ज अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे फॉर्मूला सेम आ गया, बस स्मॉल आर की जगह क्या पुट किया यहाँ पर? कैपिटल आर। मतलब बाय चांस ये फॉर्मूला भूल गए, ये तो नहीं भूल सकते। तो सरफेस के ऊपर ई की वैल्यू आ गई इसमें भी। नेक्स्ट है इनसाइड, इनसाइड ई क्या होता है? जीरो, काम खत्म। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पेपर में आएगा ये, कंपटीशन से लेके सीबीएसई में ग्राफ आता है बनाना। क्या वो कह रहा है? वेरिएशन ड्रॉ करो ई वर्सेस स्मॉल आर। तो जब आप किसी भी स्फेयर की बात करते हो, शेल की, सॉरी ये शेल है, तो अगर आप शेल की बात करते हो और ये कैपिटल आर है, और अगर आपका पॉइंट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे है, तो ई क्या रहेगा? जीरो। तो ग्राफ देखो, ये सेंटर है शेल का, शेल के सेंटर से कैपिटल आर दूरी तक, शेल के सेंटर से कैपिटल आर तक ई क्या रहेगा? जीरो, है ना? कैपिटल आर तक या लेस देन कैपिटल आर तक ई क्या रहेगा? जीरो, ग्राफ बनेगा ही नहीं ई का। फिर उसके बाद सरफेस से जब आप बाहर जाओगे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये रहा, ई क्या रहेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। फॉर्मूले में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखो, सेंटर सरफेस के ऊपर, एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर
ई क्या आता है मैक्सिमम, और फिर बाहर जाते हो तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये ग्राफ की वेरिएशन याद करनी है कि शेल के इनसाइड ई एग्जिस्ट नहीं करता और आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट मार्क करो, इससे आएगा ये पेपर में वेरिएशन। ग्रेविटेशन के अंदर भी सेम ही तो था, आप बुकलेट खोल लेना ग्रेविटेशन की, ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए थे वेरिएशन के। अब यानी कि पढ़ेंगे तो कुछ नया पढ़ेंगे सब कुछ। अब कोई वेक्टर यूज़ नहीं होना, अब कुछ भी यूज़ नहीं होना, अब कोई सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, अब सारा बस इस तरीके से चलेगा। ठीक, आसान है वैसे, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, एक टॉपिक आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब बचाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना। अगर बाहर बिजली कड़क रही हो और आपको उससे बचना हो और पता है कि बिजली गिरने वाली है तो आप कुछ और आप पे गिरने वाली है, तो फिर आप कुछ ना करें, आप अपनी कार बंद करके बैठ जाएं या बंद शेल के अंदर लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाएं। लिफ्ट एक मेटल की, मेटल का एक क्लोज केज है, या किसी केज के अंदर बैठ जाएं, बिल्कुल बंद होना चाहिए मेटल से। बिजली गिरेगी, बिजली चार्ज होता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर तो आ नहीं सकता, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर रहेगा और ई की वैल्यू किसी भी शेल के अंदर क्या रहेगी, जीरो, बच जाएंगे। तो इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टन रीजन ऑफ स्पेस, किसी स्पेस को बचाना फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। तो उसको बंद कर दो किसी भी बंद कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर ई जीरो रहेगा, अभी हमने डिस्कस किया। जैसे शेल के लिए वैसे किसी भी क्लोज कंडक्टिंग बॉडी के लिए भी वैलिड है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो कार्स, लाइटिंग एटसेट्रा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर तो इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। क्योंकि वो यही समझा रहा है कि एक हॉलो कंडक्टर के अंदर जाके बैठ जाओ, ई जीरो रहता है, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, अब हमने जो केस किया शेल का, वो कंडक्टिंग का केस किया, और हमने क्या निकाला, एक तो लाइन चार्ज की वजह से ई निकाला, फॉर्मूला याद करना है लाइन चार्ज का, ई का। फिर हमने शेल का निकाला, शेल के इनसाइड निकाला, सरफेस के ऊपर निकाला, सरफेस के बाहर निकाला। अब हम चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट, अब हम सॉलिड स्फेयर लेंगे। सॉलिड स्फेयर के अंदर चार्ज है, और कैसे है,